हरे कृष्णा। सर्वप्रथम दीक्षा गुरु पाद पद्म नितिरिला प्रविष्टोम विष्णुपाद अष्टोत्तरषद श्री श्रीमशील भक्ति वेदांत शिला नारायण गोसाई महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नितिरिला प्रविष्टोम विष्णुपाद अष्टोत्तरषद श्री श्रीमशील भक्ति वेदांत शिला स्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। आप सब भक्तों को मेरा प्रणाम। हरे कृष्णा। तो रथ यात्रा आने वाली है, अब हम रथ यात्रा का प्रसंग श्रवण करेंगे। भगवान जगन्नाथ जी की जो रथ यात्रा है उसके दो कारण हैं। पहला बताया मुख्य कारण, दूसरा गौण कारण। अनेक शास्त्रों में भगवान की इस भगवत गीत रथ यात्रा का वर्णन आता है, अनेक पुराणों में। भगवान जगन्नाथ जी की जो रथ यात्रा है उसका जो गौण कारण है, उसका गौण कारण क्या है, जो हिंदू लोग नहीं हैं, जो सनातन धर्म के अवलंबी नहीं हैं, उनको मंदिर में प्रवेश नहीं मिलता। मलेच्छ आदि जो नीच जाति के लोग हैं वो मंदिर में नहीं जा पाते। अब भगवान उनके ऊपर कृपा करने के लिए क्या करते हैं कि चलो तुम मेरे मंदिर नहीं आ सकते, मैं तो जगन्नाथ हूँ, पूरे जगत का नाथ हूँ, तो तुम्हारा भी नाथ हूँ, तो मैं खुद ही बाहर तुम्हें दर्शन देने के लिए आता हूँ। तो जगन्नाथ जी बाहर आते हैं सारे जीवों के ऊपर कृपा करने के लिए। जगन्नाथ जी के मंदिर के अंदर जगन्नाथ जी की रसोई केवल लक्ष्मी जी बनाती है, लक्ष्मी जी को अधिकार है, और कोई भी वहाँ पर भगवान को भोग बना के निवेदित नहीं कर सकता। लेकिन जब जगन्नाथ जी रथ पर बैठते हैं, कितनी दूर तक, जहाँ तक भी जगन्नाथ जी की दृष्टि जाती है, वहाँ से कोई भी अगर जगन्नाथ जी को केवल प्रेम से ऐसे दिखा देता है, देखने से ही भगवान का वो भोग ग्रहण करना हो जाता है। तो जगन्नाथ जी रथ यात्रा पे आते हैं अनंत कोटि जीवों पे कृपा करने के लिए। और जगन्नाथ जी के अगर आप हाथ देखोगे ऐसे हैं बिल्कुल दो पैरेलल, तो भगवान जगन्नाथ जी की कृपा कैसी है, अगर आप दो लाइन ऐसी खींचो वो कभी मीट नहीं होगी, अप टू इन्फिनिटी जाएगी। तो उसी प्रकार से बताया जगन्नाथ जी की कृपा कैसी है, अप टू इन्फिनिटी, भगवान की कृपा असीम है। तो जगन्नाथ जी सब जीवों पर कृपा करने के लिए अपने इस रथ यात्रा की लीला को प्रकट करते हैं, रथ पे चलते हैं, और जितने भी लोग उस रथ यात्रा में आते हैं, जो भी भगवान का दर्शन करते हैं, भगवान सबको पतित पावन, सबको पावन करते हैं। ये तो है जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का गौण कारण। अब जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का मुख्य कारण, जिस कारण को प्रकाशित किया हमारे श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु ने उनके अंतरंग भक्तों ने, कि चैतन्य महाप्रभु किस भाव से भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा को खींचते हैं, वो क्या गोपी भाव है, उसको आज हम श्रवण करेंगे। जितने भी ब्रजवासी हैं वो कृष्ण से मिलने के लिए जाते हैं कुरुक्षेत्र में। कृष्ण ने ब्रजवासियों को बोला कि मैं आज जा रहा हूँ, कल रुकूंगा मथुरा, परसों वापस आ जाऊँगा। और कृष्ण ब्रजवासियों को ये सांत्वना दे के गए थे कि मैं परसों मथुरा से वापस आ जाऊँगा कंस को मार के। लेकिन परसों के बरसों बीत गए, कृष्ण फिर कभी भी पुनः वापस ब्रज में नहीं लौटे, और ब्रजवासी भी कभी कृष्ण से मिलने मथुरा नहीं गए। अब जब इतने वर्षों के बाद जब ब्रजवासियों को पता चलता है कि कृष्ण द्वारका में जाके एक बहुत बड़े राजा बन चुके हैं, एक नहीं दो नहीं 16,108 विवाह कर चुके हैं, उनके बड़े बड़े राजमंत्री हैं, उनके सेनापति हैं, कितने बड़े वो राजा हैं, द्वारकाधीश हैं, आज कुरुक्षेत्र में बहुत बड़ा मेला लगा है जहाँ पे सूर्य ग्रहण के उपलक्ष्य में ब्रह्म सरोवर में स्नान करने के लिए पूरे भारत से, हर गाँव से, हर जिले से सब लोग पहुंच रहे हैं। तो ब्रजवासियों ने देखा कि द्वारका से कृष्ण भी वहाँ पे आ रहे हैं, और यहाँ से भी बहुत सारे लोग जा रहे हैं। कहाँ पे? कुरुक्षेत्र में, उस सूर्य कुंड में, ब्रह्म सूर्य ग्रहण के समय ब्रह्म सरोवर में स्नान करने के लिए। तो सारे ब्रजवासी कुरुक्षेत्र पहुँचते हैं, वहाँ से द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण अपनी सारी 16,108 रानियों के साथ, अपने पुत्रों के साथ, सारी सेना को लेकर पहुँचते हैं कुरुक्षेत्र। आज इतने वर्षों के बाद गोपियों का कृष्ण के साथ मिलन होता है कुरुक्षेत्र में, और कभी भी गोपियां कृष्ण से मिलने मथुरा नहीं गई, ना कभी द्वारका गई हैं। आज उनका एक तटस्थ स्थान पे मिलन हो रहा है, वो जो स्थान है कुरुक्षेत्र। और किस छल से आए हैं? दोनों इस छल से आए हैं कि हम तो यहाँ पे सूर्य कुंड के उपलक्ष्य में आए हैं, लेकिन मूल उद्देश्य क्या है? कृष्ण के दर्शन करना। अब जब कृष्ण इतने वर्षों के बाद अपनी मैया यशोदा मैया को देखते हैं, तो वहाँ पे रोते रोते क्रंदन करते हुए हा मैया करके मैया की गोद में बैठ जाते हैं, और यशोदा मैया के स्तन से अपने आप दूध झड़ने लगता है। और जो गोपियां हैं, गोपियां जब कृष्ण से दर्शन करती हैं, अब कृष्ण और गोपियों का जब अलग से वहाँ पे मिलन होता है, तो गोपियां कृष्ण को बोलती है कि कृष्ण यद्यपि तुम वही कृष्ण हो, हम वही गोपियाँ हैं, इतने वर्षों बाद मिल रही हैं, लेकिन आज हमें वो मिलन में आनंद नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तुमने क्या करा हुआ है, तुम्हारे जे अन्य वेश, अन्य संग, तुमने आज अन्य वेश धारण किया हुआ है। कौन सा वेश धारण किया हुआ है? तुम आज एक राजा बने हुए हो, राजा, और कहाँ पे? तुम एक गोप बालक थे, गोप बालक। तो वहाँ पे गोपियाँ कृष्ण को बोलती हैं कि कृष्ण हम तो तुमसे वृंदावन में ही मिलना चाहती हैं, और तुमको गोप वेश में ही देखना चाहती हैं।
तो इसका मतलब हुआ कि जहाँ पे गोपियाँ भी है, कृष्ण भी है, लेकिन वृंदावन नहीं है, तब भी मिलन में वो आनंद नहीं है। तो इसी भाव से जगन्नाथ जी आज बैठे हैं अपने रथ पे और लक्ष्मी जी को बोलते हैं कि बहुत दिन हो गए, 15 दिन से मैं किसी से मिला नहीं हूँ, क्योंकि जगन्नाथ जी ये लीला कर रहे थे कि मेरे को बुखार हो गया है, ज्वर हो गया है। तो बोलते हैं मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ, घूम के आता हूँ। अब लक्ष्मी जी को डर लगता है अगर ये अकेले बाहर घूमने जाएंगे कहीं वृंदावन ना भाग जाए, तो इसलिए वो बोलती है नहीं अकेले नहीं जाना, जाना है तो अपने साथ में बड़े भाई को लेके जाओ। बोलते हैं हाँ हाँ बड़े भाई को साथ ले जाता हूँ। फिर लक्ष्मी जी सोचती है अरे बड़े भाई वो भी तो वृंदावन के हैं, दोनों ही भाग जाएंगे वृंदावन। नहीं नहीं अपने साथ में अपनी बहन को भी लेके जाओ। अच्छा चलो बहन को भी लेके जाता हूँ। तो साथ में बलराम जी और सुभद्रा जी भी जाते हैं और लक्ष्मी जी उनको आगे देती है जाओ बाहर कुछ घूम के आओ। और जगन्नाथ जी जैसे ही रथ पे बैठते हैं और भाग जाते हैं वृंदावन की ओर। और जो जगन्नाथ जी का रथ खींचा जाता है, इस भाव से जगन्नाथ जी का रथ खींचा जाता है कि गोपियाँ जो हैं कृष्ण को आज कहाँ पे लेके जा रही हैं, गोपियाँ कृष्ण को आज लेके जा रही हैं कुरुक्षेत्र से अपने वृंदावन धाम। अब श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जब रथ यात्रा के आगे नृत्य करते हैं, नृत्य करते हुए वो जो बड़े सुंदर सुंदर उन्होंने पद गाए हैं, उसी पदों को आज हम चैतन्य चरितामृत से श्रवण करेंगे कि उसके पीछे क्या भाव है, जिसमें महाप्रभु बोलते हैं गोपी भाव में, राधा जी के भाव में, अनिर्हृदय मन मोर मन वृंदावन मने वने एक करी जानी, ताहा तुमार पद द्वय कराहा यदि उदय तबे तुमार पूर्ण कृपा मानी। कह रहे हैं अरे अन्य हृदय मन, हे कृष्ण बाकियों का मन मन है लेकिन हमारा मन मन नहीं है, हमारा मन तो वृंदावन है। तहाँ तुम्हार पद द्वय, अगर तुम अपने दोनों चरण कमल हमारे मन रूपी वृंदावन में उसको पधारोगे तभी हम मानेंगे कृष्ण कि तुमने हम पे पूर्ण कृपा करी है। तो कृष्ण तुम्हारी पूर्ण कृपा हमारे ऊपर यही होगी कि अपने चरणों को हमारे मन पे रख दो और हमारा मन और वृंदावन दोनों एक है, मतलब हमारे साथ वृंदावन चलो। जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी के रथ के आगे इस प्रकार से नृत्य करते हुए इन पदों को गाते थे तो जगन्नाथ जी का रथ चलता था। जैसे ही महाप्रभु रुक जाएंगे और महाप्रभु पीछे चले जाएंगे तो जगन्नाथ जी भी रुक जाते थे। बताया गौर यदि पाछे चले श्याम है स्थिरे, गौर आगे चले श्याम चले धीरे धीरे। गौर यदि आगे चले, जब महाप्रभु रथ यात्रा के आगे चलते हैं तो श्याम, श्याम कौन, हमारे जगन्नाथ जी, वो धीरे धीरे चलते हैं। लेकिन जैसे ही महाप्रभु रथ के पीछे जाके छुप जाते हैं, जगन्नाथ जी के पीछे चले जाते हैं तो श्याम है स्थिरे, तो जगन्नाथ जी का रथ भी रुक जाता है। तो इस भाव से ही जगन्नाथ जी चल रहे हैं कि मुझे ये कहाँ पे खींच के लेके जा रहे हैं, ये सब मुझे खींच के लेके जा रहे हैं वृंदावन। फिर आगे चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं प्राणनाथ सुन मोर सत्य निवेदन, ब्रज आमार सदन तोहा तुमार संगम ना पाइले ना रहे जीवन। हे प्राणनाथ सुन मोर, हे प्राणनाथ आप मेरे प्राणनाथ हो, गोपियों के प्राणनाथ, सुन मोर सत्य निवेदन, एक मेरी सत्य निवेदन सुनो। क्या? ब्रज आमार सदन तहा तुमार संगम ना पाइले ना रहे जीवन। हे प्राणनाथ, हे गोपीनाथ, हे गोविंद, ब्रज अमार सदन, ब्रज हमारा सदन है, तहाँ तुम्हार संगम, वहीं पे ही हम चाहते हैं तुम्हारा और हमारा संग हो, और अगर तुम हमें वहाँ पे नहीं मिले ना रहे जीवन, तो हे कृष्ण हमारा जीवन नहीं रहेगा, इसलिए हमारे जीवन की रक्षा करो और हमारे साथ अभी के अभी वृंदावन चलो। और फिर उसके बाद जब गोपियाँ कृष्ण को बोलती हैं कि तुम मेरे साथ वृंदावन, हमारे साथ वृंदावन चलो, तो कृष्ण ने एक बारी उद्धव जी को भेजा था गोपियों को संवाद देने के लिए, गोपियों को सांत्वना देने के लिए। तो गोपियाँ कृष्ण को बोलती हैं पूर्वे उद्धव द्वारे एबे साक्षात अमारे योग ज्ञान कही ला उपाए, नाही गोपी योगेश्वर पद कमल तुमार पाई पाही बे संतोष। कृष्ण कहते हैं अरे गोपियों तुम मुझे वृंदावन जाने की बात क्यों कहती हो, मैंने तो उद्धव जी के बार द्वारा तुम्हें संदेश भेजा था ना कि जहाँ पे भी तुम मेरा चिंतन करती हो मैं वहीं पे हूँ, जहाँ पे तुम ब्रज में जब तुम मेरा चिंतन करती हो दिन रात उस चिंतन में ही तुम्हारा और मेरा मिलन हो जाता है। तो गोपियाँ बोलती हैं कि अरे कृष्ण पहले तुमने उद्धव को भेजा था तब तो हमने तुम्हारी बात को सहन कर लिया, और आज जब हम तुम्हारे साथ साक्षात मिली हैं तब भी तुम हमें क्या कह रहे हो, हमें योग ज्ञान का उपदेश दे रहे हो। अरे हम कोई योगी नहीं हैं, पद कमले तुम्हार पाई बे ध्यान पाई बे संतोष, कि हम योगी की तरह तुम्हारा ध्यान करें और तुम्हारे चरणों को अपने मन में धारण करें, हम उस प्रकार के योगी नहीं हैं जो तुम्हारे चरणों को दर्शन करके प्रसन्न हो जाते हैं, हम वैसी योगी नहीं हैं, इसलिए हमें कृपा करके ज्ञान का उपदेश मत दो। तुम ही विदग्ध कृपा मये जाना हो अमार हृदय, अरे कृष्ण तुम विदग्ध हो, तुम कृपामय हो, सब कुछ जानने वाले भी हो, तुम हमारे हृदय को जानते हो, हमारे हृदय को जानते हुए भी तुम इस प्रकार की हमें शिक्षाएं क्यों देते हो,
अरे भाई, आगे गोपियां बोलती हैं बड़ी ही सुंदर बात, चित काटी तोमा हईते विषे चाही लगाईते, यत्न करी नाही काटी बारे, तारे ध्यान शिक्षा दे लोक हासिया मार, स्थान स्थान ना कर विचारे। अरे कृष्ण तुम कैसे हो, तुम कैसे हो, तुम हमें शिक्षा देते हो। क्या शिक्षा दे रहे हो? कि तुम अपने चित्त को मेरा स्मरण करो और मेरे स्मरण करने से ही तुम्हारा मेरा मिलन होगा। अरे कृष्ण सोचा तो कम से कम सोच के तो बोला करो, किसको बोल रहे हो और कहाँ पे बोल रहे हो? हम जो गोपियाँ हैं हम तो तुम्हें भूलना चाहती हैं और तुम कह रहे हो कि मेरा स्मरण करो। अरे हम तुम्हें भूलने का कितना प्रयास करती हैं। कई बारी गोपियाँ सोचती हैं कि अब हम कृष्ण को भूलने के लिए क्या करेंगी, हम कृष्ण को भूलने के लिए कोई योग सीखेंगी। राधा जी बोलती है विशाखा जी को, विशाखा तुम मुझे कोई ऐसा योग सिखा जिससे मैं कृष्ण को भूल जाऊँ, मैं कृष्ण को भूलने चाहते हुए भी नहीं भूल पा रही हूँ। तो ये गोपियाँ जो अपने चित्त को तुमसे हटा के संसार में लगाना चाहती है, और योगी योगी तो संसार से हटा के तुम में लगाना चाहते हैं, तो तुम हम गोपियों को ये शिक्षा दे रहे हो कि हम तुम्हारा स्मरण करें, तो ये तो बहुत हास्य की बात है। तुम्हें ये भी नहीं पता किसको कहाँ पे कौन सी शिक्षा देनी चाहिए। फिर आगे गोपियाँ कहती हैं कि हे कृष्ण तुम्हार वाक्य परिपाटी तार मध्य कुटी नाटी सुनेर आर गोपी बड़े रोष, कि तुम्हारे जो वाक्य हैं सब के सब कुटी नाटी हैं, सब में कपटता भरी हुई है। तुम्हारे इन वाक्यों को सुन के हमें बहुत रोष हो रहा है, इसलिए अभी हमें कोई ज्ञान की शिक्षा देनी नहीं है और हम जहाँ पे तुम्हें खींच के लेके चलती हैं चलो हमारे साथ वृंदावन चलो। उसके बाद गोपियाँ बोलती हैं कृष्ण को, देह स्मृति नाही जार संसार कूप कहाँ तार। अरे कृष्ण जिसको देह की ही स्मृति नहीं है, गोपियों को तो अपने देह की ही स्मृति नहीं है, उनके लिए संसार कूप कहाँ पे होगा? संसार कूप तो हमारे लिए है जिनको हमेशा देह में ही जो हमेशा रमे रहते हैं, और इसलिए गोपियाँ कहती है कि हमें इस संसार कूप का कोई डर नहीं है, हमें तो एक ही भय है, और हमारा सबसे बड़ा भय क्या है कि हम इस संसार रूपी सागर के अंदर गिर चुके हैं, बदजीव इस संसार सागर में गिरा हुआ है। लेकिन गोपियाँ कहती हैं कि हम इस संसार सागर में नहीं गिरे हुए, हम किस में गिरे हुए हैं? विरह समुद्र जले काम तिमिंगिल गेले गोपी गणे चाहे ता उधार। विरह समुद्र जले, हम इस संसार रूपी समुद्र का भय नहीं है कृष्ण, हम तो तुम्हारे वीर रूपी सागर में डूब गई हैं, और इस वीर रूपी सागर में जो हम डूब गई हैं काम तिमिंगिल गेले, और तुम्हारे प्रति जो काम है, तुम्हारे प्रति जो हमारा प्रेम है वो एक तिमिंगिल के समान है जो हमें क्या कर रहा है, दिन रात हमारा शोषण करता है। इसलिए हे कृष्ण आप हमें इस वीरे रूपी समुद्र से बाहर निकालो। और इस वीरे रूपी समुद्र से कैसे बाहर निकाल सकते हो कृष्ण? जब आप चलोगे कहाँ पे? हमारे उस वृंदावन में। अब मन ही मन गोपियाँ सोचती हैं कि कृष्ण जो है, कृष्ण को कुछ वृंदावन की लीलाओं का स्मरण कराया जाए ताकि उन लीलाओं का स्मरण करके इनका चित्त जो है खींचा हुआ चले आए और ये एक क्षण भी विलंब ना करें और भागे भागे वृंदावन आ जाए। तो फिर गोपियाँ उनको फिर आगे रथ खींचते हुए चैतन्य महाप्रभु उनको वृंदावन की लीलाओं का स्मरण कराते हैं। क्या? वृंदावन गोवर्धन यमुना पुलिन वन सेई कुंजे रास आदि लीला सेई ब्रजर जन गण माता पिता बंधु गण बड़ा चित्र के माने पास रीला। अरे ये तो बहुत बड़ा आश्चर्य है कृष्ण, तुम कैसे भूल गए उस वृंदावन को, उस यमुना के तट को, उस गिरिराज गोवर्धन को, उस गोवर्धन की कंदराओं को, उस राधा कुंड, उस श्याम कुंड को, अरे अपने ब्रजवासियों को, और तो कहना ही क्या, माता पितृ बंधुगण। अरे अगर हमें भूल गए तो कुछ नहीं होता, अपने माता पिता को तो स्मरण रखते। हे कृष्ण उन लीलाओं का स्मरण करो, अपने ब्रजवासियों का स्मरण करो, अपनी गैयाओं का स्मरण करो। बड़ा ही सुंदर फिर आगे चंडीदास विद्यापति के कीर्तन से गाते थे कि हे कृष्ण तुम जानते हो तुम्हारे बिना वापी क्या स्थिति हो चुकी है, यशोमती नंद अंध सम बेटी उठाए सहसे ना पारे। अरे तुम्हारे वीरे में रोते रोते मैया अंधी हो चुकी हैं, उनके आँखों के आंसू भी सूख चुके हैं, और तुम्हारे वीरे में उनका शरीर जो है इतना क्षीण हो चुका है कि वो अब खड़ी भी नहीं हो पाती। मयूरी ना नाचत, मयूरियों ने नाचना छोड़ दिया है, कपोती ना करे गान, कोयलों ने गान करना छोड़ दिया है, और तो और क्या कहें, बछड़ों ने दूध पीना छोड़ दिया है, बिछड़ सब नगर विजार, जितने भी वहाँ के नगर हैं बाजार हैं सारे के सारे सुनसान हो चुके हैं कृष्ण तुम्हारे विरे में। कम से कम हमारा ही नहीं तो अपने बाकी ब्रजवासियों का चिंतन करके ब्रज को वापस लौट जाओ। ना गणी आपन दुख देखी ब्रजेश्वरी मुख ब्रज जन हृदय वेदारे कीबा मार ब्रजवासी कीबा जियो ब्रजे आसी केन जियो दुख साही बारे।
अरे तुम क्या ब्रजवासियों को मारना चाहते हो? तुम्हारे दुख में हम दुखी हैं, लेकिन और भी ज़्यादा दुखी होती हैं जब तुम्हारी मैया को देखती हैं। हम अपने दुख की अभी बात ही नहीं कर रही, हम तो ब्रजेश्वरी जो हमारी यशोदा मैया है उसके दुख की बात कर रही हैं कि वो तुम्हारे उस वात्सल्य प्रेम के अभाव में कितनी दुखी हैं कि मेरा लाला कहाँ चला गया। अरे कम से कम अपनी मैया के लिए ही वापस ब्रज में लौट चलो, तुम क्या ब्रजवासियों को मारना चाहते हो? अगर तुम ब्रजवासियों की रक्षा करना चाहते हो तो ब्रजवासियों की रक्षा तो तभी होगी कृष्ण जब तुम कहाँ पर चलोगे, पुनः हमारे साथ ब्रज की ओर चलोगे। तुम्हार जे अन्य वेश अन्य संग अन्य देश ब्रजवासी कबू नहीं भाए। तुम सोच रहे होगे कि हाँ हाँ मैं तो बहुत बड़ा राजा हो चुका हूँ, ब्रजवासी मुझे देख के बड़े आनंदित होंगे कि मेरे पास आज कितने हाथी हैं, कितने घोड़े हैं, बड़े बड़े राजमहल हैं, द्वारका में इतना बड़ा मेरा महल है। तो तुम्हारी ये चीज़ें ब्रजवासियों कभी भी शोभा नहीं देती, ब्रजवासियों को कभी भी इससे कोई आनंद नहीं आता। हमें तो केवल तुम्हारा वही गोप कुमार रूप चाहिए और वही हमारा जो सखा जो क्या करता है कृष्ण की सखाओं के साथ गैया चराता है, हमें तो तुम्हारी वही लीलाओं के दर्शन करने हैं। फिर आगे महाप्रभु बोलते हैं, तुमी ब्रजेर जीवन ब्रज राजेर प्राण धन, तुमी सकल ब्रजेर संपद। तुमी ब्रजेर जीवन, अरे ब्रज के जीवन कृष्ण तुम हो, अरे पूरे ब्रज की जो संपद है वो भी तुम हो। ब्रज राजेर प्राण धन, जो ब्रज के राजा हैं नंद बाबा उनके तुम प्राण धन हो। कृपा रात तुमार मन आसी जियाओ ब्रज जन, ब्रजे उदय कराओ निज पद। अपने इन चरणों को ब्रज में उदय कराओ तभी ब्रजवासी जो हैं जीवित रह पाएंगे। अब कृष्ण इन सारी जगन्नाथ जी बैठ के इन सारे भावों को सुन रहे हैं, इन सारे भावों को सुनते हुए जगन्नाथ जी, मानो जगन्नाथ जी अब अपने प्रेमी भक्त चैतन्य महाप्रभु को बोलते हैं, प्राण प्रिय सुन मोर एई सत्य वचन, तोबा समा स्मरण झुरु मोई रात्रि दिने, मोर दुख ना जाने कौन जान। हे प्राण प्रिय, हे श्रीमती राधा रानी, मेरे सत्य वचन को सुनो। तुम जितने भी ब्रजवासी हो, दिन रात मैं क्या करता हूँ, दिन रात केवल मैं क्रंदन करता रहता हूँ तुम्हारे ही चिंतन में, तुम्हारा ही स्मरण करते हुए, लेकिन मेरा दुख कोई समझ नहीं सकता, मेरा दुख अभी कोई भी नहीं जान सकता। जितने भी ब्रजवासी हैं, माता पिता हैं, सखागण हैं, वो सब मेरे प्राण सम हैं, और तार मध्य गोपीगण साक्षात मोर जीवन, और जो गोपियाँ हैं वो तो साक्षात ही मेरी जीवन है। तो वहाँ पे कृष्ण बोलते हैं कि मैंने प्रायः सब असुरों को मार दिया है, एक दो और असुर बचे हैं, उनको मार के मैं पुनः वापस ब्रज में आ जाऊंगा। तो इस प्रकार से रथ यात्रा का बड़ा ही सुंदर ये भाव है जो श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने दिया है। और चैतन्य महाप्रभु जब रथ यात्रा के आगे नृत्य करते थे तो महाप्रभु वहाँ पर सात टोली बनाते थे, सात कीर्तन की अलग अलग टोली होती थी। एक टोली में नित्यानंद प्रभु नृत्य करेंगे, एक में अद्वैताचार्य जी, एक में हरिदास ठाकुर जी, एक में वक्रेश्वर पंडित जी। तो इस प्रकार से उसके अलावा तीन और अलग से टोलियां होती थी, ये चार टोली होती थी जो महाप्रभु के अपने त्यागी भक्त हैं। तीन टोली होती थी जो कि बंगाल से आते थे, जिसमें कुलीनग्राम, शांतिपुर और खंडवासी, इन तीन गांव के जो लोग आते थे उनकी तीन टोली होती थी। तो ये सात टोलियाँ होती थी, इन सात टोलियों के अंदर एक एक नृत्य करने वाले होंगे, एक एक मुख्य गायक होंगे और छः पीछे गाने वाले होंगे, दो दो मृदंग वाले होंगे। तो इस प्रकार से ये सात टोलियाँ महाप्रभु के साथ में इन भाव में नृत्य करती थी, जिसमें से चार टोली तो महाप्रभु के रथ के आगे, एक बाएं, एक दाएं और एक पीछे रथ के चलती थी। और महाप्रभु जब नृत्य करते थे तो महाप्रभु इन सातों की सातों संकीर्तन मंडली में एक साथ नृत्य करते थे, और सबको लगता था कि महाप्रभु केवल मेरे ही पार्टी में नृत्य कर रहे हैं, लेकिन केवल सार्वभौम भट्टाचार्य जी इस बात को देख पाए और उनकी कृपा से राजा प्रताप रुद्र भी इस बात को देख पाए कि चैतन्य महाप्रभु सातों ही टोलियों में एक साथ नृत्य करते थे। और महाप्रभु का जो नृत्य था, मानो ऐसा जब वो इन भावों को गाते थे तो महाप्रभु के नेत्रों से वो जल यंत्र बन जाते थे, पूरी जल की धारा निकलती थी, आसपास के सब लोग भीग जाते थे। बड़े ही उस गंभीर भावों को महाप्रभु ने इस रथ यात्रा के आगे उसका स्वादन किया है। ये वो भाव है जिस भाव में कुरुक्षेत्र में गोपियों और कृष्ण का मिलन हुआ है। नेताई गौर प्रेमानंदे हरी हरी।